उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में नगर कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए की नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले साइबर ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने दो सगे भाई समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से नशीली दवाएं, लैपटॉप, लग्जरी कार और नकदी बरामद की। आरोपियों के जरिए यूएसए और यूके में करोड़ों रुपए की नशीली दवाओं का कारोबार किया जा रहा था। पहले फर्जी वर्चुअल आईडी बनाकर ग्राहकों को फंसाते थे, इसके बाद ऑनलाइन ड्रग ट्रैफिकिंग कर नशीली दवाओं का ऑनलाइन व्यापार करते थे। ऑनलाइन ऐप और क्रिप्टो करेंसी के जरिए ऑनलाइन पैसे का ट्रांजैक्शन होता था। आरोपियों ने अवैध गतिविधियों से संपत्ति अर्जित करके जमीनों की रजिस्ट्री कराई हुई है। 50 लाख रुपए की महंगी गाड़ियां, लैपटॉप, घड़ी और मोबाइल फ़ोन खरीदे हैं। एसपी ने बताया कि आरोपियों के बैंक खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने बताया कि आरोपियों ने क्रिप्टो करेंसी वेस्टर्न यूनियन और पेपॉल ऑनलाइन ऐप के माध्यम से कंपनी बनाकर करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन किया है, जिसमें इन्हें 2 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा हुआ है। ये एजेंट के माध्यम से अमेरिकन लोगों के डाटा बेस को लेकर नंबर प्रोफिंग ऐप्स के माध्यम से अमेरिकन मोबाइल नंबर बनाकर उनसे बात करके ड्रग बेचा करते थे। गोंडा से राहुल तिवारी की रिपोर्ट। नशीली दवा अवेलेबल है, जनरली कॉमनली या तो नहीं मिलती है या डॉक्टर के सब्सक्रिप्शन पे बहुत लिमिटेड अकाउंट में मिलती है। इसमें बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो इंडिया में तो डॉक्टर के सब्सक्रिप्शन पे बहुत लिमिटेड अमाउंट में दी जा सकती हैं, जिससे मॉर्फिन, इसका भी मेडिसिनल यूज होता है, जो कोकेन जिससे बनते हैं उसका डेरिवेटिव है, तो लेकिन मेडिसिनल यूज होता है इन सब चीज़ों का, लिमिटेड अमाउंट में दे सकते हैं। लार्ज अमाउंट में देते हैं तो नशा करने के लिए उसका यूज करते हैं, जैसे कोरेक्स का ही। तो ये मोस्टली वही थी कि लार्ज अमाउंट में नशा करने के उद्देश्य से जो दवाइयों का सर्कुलेशन ये लोग करते थे। तो इनको हम लोगों ने जब गिरफ्तार किया तो ये पता चला कि इसमें से कुछ लोगों का बैकग्राउंड बी फार्मा और इन सब के का बैकग्राउंड है, तो इन लोगों को दवाओं के बारे में बेसिक पता है और उनका ऑलरेडी इंडिया में नेटवर्क है। और कुछ कुछ बड़े बड़े सेलर्स जो इंडिया के हैं, उन लोगों के भी नाम पता चले हैं जो कि अमेरिका में, यूके में अपनी जो दवाएं हैं वो बेचते हैं इलीगल तरीके से, और ड्रग्स जो इलीगल तरीके से बेचते हैं, क्योंकि आपको डॉक्टर का सब्सक्रिप्शन चाहिए, वो भी आपको लिमिटेड अमाउंट में देंगे। अगर मान लीजिए कोई नशीली दवा से कोई ट्रीटमेंट भी हो रहा है, जैसे मॉर्फिन के बहुत सारे मेडिसिनल यूज भी हैं, बट वो लिमिटेड अमाउंट में हम लोग दे सकते हैं। तो इनके पास से काफ़ी प्रतिबंधित दवाएं जो है, नशीली दवाएं हैं, अल्प्रासेफ रिकवर हुई हैं इसे काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में, लैपटॉप्स रिकवर हुए हैं जिसमें से इन्होंने पूरा डेटा इनका ट्रांजैक्शन का है वो इन्होंने रखा हुआ है, और मोबाइल पे इन्होंने सारी ऐप्स जो हैं वो डाउनलोडेड थी, और एक हार्ड डिस्क जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इनके पास से रिकवर हुई है, जिसको हम लोगों ने जिसमें से हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया है डेटा, और इनके सारे जो अमेरिकन क्लाइंट्स हैं और जो इंडियन जो इनके वो हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनके माध्यम से ये लोग बेचा करते थे, उन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिली है। उनको भी हम लोग शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। और इसमें से लगभग इन लोगों ने यूके करोड़ों रुपए की नशीली दवाओं का, इलिसिट ड्रग्स की, ड्रग ट्रैफिकिंग करने वाले साइबर ड्रग अपराधियों के गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन्होंने क्रिप्टो करेंसी और वेस्टर्न यूनियन और पेपाल और कंपनी बना के करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन इसमें किया है, जिसमें से इनको 2 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट मिला है। अवैध ड्रग्स को ये अपने एजेंट्स के माध्यम से अमेरिका में जो ऑलरेडी रहते थे, डार्क वेब के माध्यम से या फिर डेटाबेस प्रोवाइड करने वाली मंथली सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज के माध्यम से ये लोग ले लिया करते थे अमेरिकन लोगों के डेटाबेस को, और फिर उनको वाइप ऐप्स जो नंबर स्पूफिंग ऐप्स हैं उसके माध्यम से मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है, अमेरिकन नंबर दिखा के लोगों से मैसेज किया करते थे, बात किया करते थे और उन्हें ड्रग्स बेचा करते थे। इसके लिए वो अपने सप्लायर्स जो इंडिया बेस्ड सप्लायर्स हैं, बड़े बड़े सप्लायर्स, उन लोगों के नाम सामने आए हैं जो अपना स्टॉक अमेरिका में या यूके में रखते हैं। इसके अलावा कुछ अमेरिकन लोगों के भी नाम सामने आए हैं जिनका हम लोग बाकी एजेंसियों से नाम शेयर करेंगे। इसके अलावा क्योंकि इनका काम करने का तरीका थोड़ा यूनिक है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में डील करते थे और इसके अलावा ये वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र में करते थे, जिससे केवल एक कोड और एक नाम बताना पड़ता है और अपनी बाकी डिटेल्स नहीं देनी पड़ती हैं, जिससे ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन्होंने अपने अवैध गतिविधियों से
रजिस्ट्रियाँ कराई हुई हैं, जिसमें से एक दो हम लोगों के द्वारा ट्रेस की गई हुई हैं 85 लाख रुपए की, और महंगी गाड़ियाँ और रोलेक्स वॉचेस ये सब खरीदी हुई हैं। इसके ये सब हम लोग इस गैंग की और अपराध से अर्जित संपत्ति को हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। इसके अलावा गैंग के बाकी सदस्य हैं उनकी शीघ्र गिरफ्तारियों के लिए मल्टीपल टीम्स हम लोगों ने गठित कर दी है, और इंटरोगेशन रिपोर्ट इसकी बना के इस गैंग की मोडस ऑपरेंडी के बारे में हम लोग बाकी जनपदों को भी बताएंगे, ताकि सिमिलर तरीके से यदि कोई गैंग चल रहा हो तो उसकी भी गिरफ्तारी की जा सके। सर कब से कर रहे थे ये, और अमेरिका के अलावा कहाँ कहाँ इनका जाल बैठा हुआ? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कारोबार कर रहे थे, मुख्यतः USA UK में करते थे और अन्य देशों में भी ये करते थे। कहीं पर भी ये इनके द्वारा हम लोगों को फेडेक्स के माध्यम से कहीं पर भी नशीली दवाएं ये लोग इलिसिट ड्रग्स कुरियर कर दिया करते थे, या फिर उसी कंट्री में यदि उनका कोई एजेंट होता था तो उसी माध्यम से उस एजेंट को कहकर वहाँ पर कस्टमर को पहुँचा दिया करते थे। तो इनका बड़ा कॉम्प्लेक्स और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर फैला हुआ ऑपरेशन था, जिसको गोंडा पुलिस द्वारा ध्वस्त किया गया है। इसमें साइबर जो सेल है हमारा, उसकी भी मदद ली गई है, और हम लोग और भी